हाँ तो जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, काफ़ी दिनों के बाद में फिर मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपने पास बहुत समय था, बहुत समय, इतना समय कि मैंने आया भी नहीं। मैं बासी और क्या कहते हैं, बिजी इंसान। और आज हमारे पास हमारे मित्र आए हुए हैं, इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। रवि सिंह के नाम से इनका चैनल है। तो इनका अभी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बना रहे हैं। ऑब्वियसली मैं पहले ट्राई करूँगा। ये आप देख रहे हो, ये चीज इसके अंदर फिक्स करनी है। इसके लिए कुछ जुगाड़ वगैरह लगाने पड़ेंगे। एक चीज़ आप अभी कटवा के लाएंगे, इसको थोड़ा सा कटवाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके कुछ सेटअप बना रहे हैं। बाकी मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा कि कैसी फुटेज आती है। माइक वाइक और सामान वामान लेकर आए हैं। टोटल खर्चा बता कितना आया है? टोटल 310 का आ गया जी। 310 और 500 कुल मिला के 800-900 रुपये के करीब करीब का खर्चा आ चुका है इसके अंदर। तो आप ये छोटे मोटे शॉट देखिए, बाकी इसको एक बार तैयार करके मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप दिखाता हूँ कैसा। हेलो जी, आज बन गया अपने घर पर मैक्रोन। और ये जुगाड़ भी आप चाकू के साथ काट लाए हैं। और इसके अंश ये रहे, इनको सांतल क्या कहते हैं उसको, इनको अरे वो क्या कह रहे हैं, हाँ 20 minutes later याद क्यों नहीं आ रहा। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट बॉक्स में RIP लिख दे, क्योंकि इन्होंने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ठीक है, अभी ये थोड़ी देर में करेंगे, आपको फुटेज दिखाएंगे। उससे पहले आप मैक्रोनी एंजॉय कर लेते हैं। बाय। हाँ तो जी, कुछ ऐसा लग रहा है, रवि का सेटअप अभी फ़िलहाल तैयार किया हुआ। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे फ़ोन है और ये माइक लगा रखा अपन ने, और कैमरा इन फोकस हो रहा है। और अब जा रहे हैं बाहर। तो रवि जी, अभी टाइम क्या हुआ है? लाइट को कर दी दिए बंद। और क्या है, 5:10 हो चुके हैं और आप एक छोटी सी राइड मार के आएंगे। रवि जी पकड़िए फ़ोन अपना। आधा देख ले एक बड़ी फटाफट आधा। बैठ तो जी, अभी देखेंगे कि कैसी आवाज आ रही है, कैसी नहीं आ रही। बाकी किचड़ तो आप देख ही रहे हो, कितना ही है अपने शहर में, अपने देश में। कल रात को हो गई थी बारिश, और बारिश के कारण ही आज हम घर रहे हैं, क्योंकि बारिश में क्या ही काम कर लेंगे खेत में। तो आप अभी देख रहे हैं, सेटअप चेक कर रहे हैं। बाकी ये अपने मित्र के पिताजी, ये करेटा, और कुछ इस प्रकार घर की बाइक को चलाया जा रहा है अभी। बाकी अंदर हवा भी आती होगी, तो शीशा थोड़ा सा बंद नहीं हो पा रहा। तो बात यह है कि मोटो व्लॉगिंग सेटअप ज़रूरी क्यों है, या फिर क्या ज़रूरत है खास मोटो व्लॉगिंग सेटअप की? तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हम चल रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं, तो आप कनेक्ट कर पाओ, उस चीज़ के लिए मोटो व्लॉगिंग सेटअप बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेरे फ़ोन में वाइड एंगल कैमरा है नहीं, और शायद रवि के फ़ोन में भी वाइड एंगल कैमरा नहीं है। तो वाइड एंगल करने के बाद में जैसे GoPro की फुटेज आती है, वैसी ही फुटेज ये आएगी। तो अभी सिर्फ जस्ट इसको चेक कर रहे हैं। बाकी शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ के लिए। खैर, पीछे एक मेरे सांड बैठा हुआ है, जिसके कारण बाइक कंट्रोल में नहीं आ रही। और रास्ता कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फ़ोन में वाइड एंगल है ही नहीं, है ही नहीं ना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलो अभी रुक के एक बारी देख लेते हैं फुटेज कैसी आई है। जितना एक्सपेक्टेशन इससे रखी थी, उससे मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम निकला है ये जो सेटअप बनाया है। बाकी रवि के लिए नया नया है, तो रवि शायद एक्साइटेड हो जाए इसको लेके, और एक्साइटमेंट में तोड़ भी दे तो रवि तोड़ सकता है। रवि थोड़ा जानवर किस्म का आदमी है, मैं थोड़ा डेलिकेट हूँ, थोड़ा नाजुक रखता हूँ चीज़ों को, नाजुक तरीके से। ये थोड़ा सांड टाइप आदमी है, इसने स्प्लेंडर को कुछ नहीं समझा। मेरे पास स्प्लेंडर है 2010 मॉडल, वो अभी भी मैंने चकाचक रखता हूँ, बस कीचड़ में गंदी हो रही है, वो एक अलग बात है। इसके पास 2017 मॉडल, 18 मॉडल, खुद ही बता रहा पीछे से बैठा, 2018 मॉडल ये स्प्लेंडर है। और भाई ने इसकी इतनी दुर्गति कर रखी है, मतलब जैसे अपने देश में पढ़ाई की स्थिति है ना, वैसी स्थिति कर रखी है मोटरसाइकिल की। और इतना तेज क्यों भाग गया है मिल्खा सिंह मैंने आगे। तो बस यही है, और कुछ खास है नहीं। बाकी इसको फुटेज को थोड़ा सा स्टेबल कर लेंगे,
कुछ अच्छा निकल जाएगा इसके अंदर से। बाकी अभी चल रहे हैं घर की तरफ कुछ करने के लिए। अपने को ये रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, यहीं से हम आए थे, यहीं से जा रहे हैं। बाकी जो बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ये वाइजर खुला रहने की वजह से आ रही है, और थोड़ा सा कुछ साउंड प्रूफिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी इसके अंदर। खैर वो मैं कर लूँगा जब मैं मेरा सेटअप बनाऊँगा। बाकी रवि को अभी यही तैयार करके दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार इस पर सीख लेगा रवि थोड़ा सा 800-900 रुपये खर्चा करके, तो आगे कुछ मोटा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इसी में नहीं सीखेगा तो फिर कैसे करेगा। और यहाँ चल रहे हैं गाने, और गाने चलने के कारण आप बस ये अपने घर आ चुके हैं। आप शोर के लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। आप आ गए जी, फिलहाल प्याले में चाय पीने, ये अपना फेवरेट स्पॉट है, यहाँ पे बैठ जाते हैं आप आगे रोड के साथ, टेप के शोरूम के सामने बैठ जाते हैं आप। और अपने को कुछ कार्य है नहीं, और कल कहीं जाने का प्लान है, तो खुले आपको 2-3 दिन तक लगातार कंटिन्यूसली धड़ाधड़ लोग आते रहेंगे। और अभी बस आपको बाय कर रहे हैं, और रवि जी भी आपको बाय कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में। बस आज के लिए इतना ही था, और ठंड बहुत हो चुकी है, कपड़े वपड़े पहन के रखे, बाय।